मुझे बड़े प्यारे लगे, इसलिए हीरोइन प्यार में पड़ गई इनके। जुगाड़ू है, पटाते बड़े बड़े प्यार से बोए हैं फिल्म में, तो ये देखना पड़ेगा आपको कि खोटा सिक्का खरा सिक्का कैसे बनता है। इसमें वही है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत ही मेहनत करनी पड़ी। तो नाम से ही पता लगता है कि खोटा सिक्का है, तो खोटा सिक्का क्या क्या करता है वो आपको मूवी में देखना पड़ेगा। नहीं सकता कि योगेश भाई मेरे लिए क्या कर रहे हैं। योगेश भाई वो कर रहे हैं जो आज तक किसी ने की नहीं है, तो उनके लिए कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। तो योगेश भाई ने बहुत कुछ किया है और हमारे साथ हैं, तो योगेश भाई बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है। किरदार देखिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। किरदार ऐसा है कि एक हीरो होते हुए ना हीरो ना होते हुए भी बहुत बड़ा हीरो है। तो उसके पास इतने मतलब इतने फॉर्मूलाज हैं मूवी के अंदर, तो उसके सारे सबूत हैं। तो किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग है और कॉमेडी मूवी है, बहुत मैसेज भी है। और मतलब सोशल मैसेज है कि हर घर में छोटा सिक्का पाया जाए, आप भी हैं मैं भी हूँ, हर जो बेटा है अपने बाप का बेटा है, वो हर आदमी छोटा सिक्का है। तो ये एक फैमिली फिल्म है, फैमिली फिल्म में बहुत सारे मैसेज हैं जो कि फिल्म में दिखाने कि हर घर में ये फिल्म होती है। छोटी फिल्म को भी नए स्टार को भी इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि मैं भी नया था स्टार था, मैं चाहता हूँ कि हम के साथ एसोसिएट होना चाहिए अच्छे लोगों से। फैमिली और नीट एंड क्लीन है। आज के टाइम जो फिल्में आ रही है वो सब घर डिसेंट फैमिली हो रही है, नंबर वन है, और आगे बस वही चलता रहे भगवान के आशीर्वाद से। कॉमेडी है नो डाउट, और जिस तरह का सदियों से घिमाता आ रहा हूँ उस तरह का ही रोल है। स्पेशल है कि इसकी इस किरदार की अलग है, इसकी भाषा अलग है, बात करने का स्टाइल है, मुस्लिम किरदार है, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग और मजेदार है। और इसमें डेफिनेटली मुझे जब मजा आया काम करने में, तो लोगों को भी मजा आया। आप अस्पताल से बाहर काम कर रहे हैं मरीज को, हम दोनों ने शर्ट लगाई है, आप ये बताइए आप हिंदू ने उस जो उस किरदार का उस कॉस्ट्यूम का इतना असर था कि उन्होंने समझ नहीं आया, तो मेरे लिए अच्छी बात है। ये अलग है, मतलब जनरली एक लंबी लड़की और छोटा लड़का ये कॉम्बिनेशन निकाह के गाय हुए गाने आपको आइटम फिल्म भी है वो गलत मिला के मसाला फिल्म है मेरे हिसाब से। जैसे कृष्णा आपको लकब मिला था, कहीं ना कहीं लकब मिलेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे एक्टर को बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से मैं आपको ये कह सकता हूँ, मजा ना आया तो पैसे वापस, अपना किरदार इतना इंटरेस्टिंग मतलब वो लोगों के लिए भी अच्छा अलग होगा तेरे लिए। चलिए लाइटर चलिए वेरी इनफैक्ट, जब हीरो को देखा मैंने वो डिफरेंट लगता है, लेकिन स्क्रीन पे एकदम अलग लगता है। सेम इतना हीरोइन थी नो, वो तो कुछ अलग लगी थी, लेकिन स्क्रीन पे दे लुक वेरी डिफरेंट, दे लुक वेरी गुड इन दी थी, बोथ ऑफ देम लुक वेरी गुड। और जैसे कि स्टोरी है कि हीरो बोला है लंबी है, दे एक्चुअली हीरो इज एक्चुअली शॉर्ट टाइप है और हीरो ने एक्चुअली टॉल है, और मुझे लगता है कि ये चलनी चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी लाइट फिल्म, और आज के ज़माने में इतनी भागदौड़ है, इतनी टेंशन है, इतनी वरीज है, तो इस तरह की चलनी चाहिए। एंड आई थिंक जैसे हीरो ने बोला थोड़ी देर पहले कि मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, टीवी साहब ने बोला शाहरुख खान तो कभी होता बन जाते हैं, वक्त बना देता है आपको, आपके काम से भी ज़्यादा आपको वक्त और ईश्वर का अगर साथ होता है तब आप शाहरुख खान होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हीरो भी अगर बन जाए तो बिकॉज रुकने वाले की मेहरबानी होगी, तो एवरी थिंग इज पॉसिबल। आप सिंगर भी See, I have heard only two songs, but I don't know what to do with the song.
सारे गाने सुने हैं जो बार बार बज रहे थे, और जो सैड सॉन्ग है वो अच्छा है बहुत, और गाया भी अच्छा है। एंड एज उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले हमने म्यूजिक किया था, लेकिन लगता नहीं लगता कि अभी ताज़ा ताज़ा म्यूजिक किया है। एंड इट्स वेरी गुड म्यूजिक एंड वेरी लाइट, और थोड़ा थोड़ा सा टच है पुराने ज़माने का, तो उल्टा अच्छा लगा। बिकॉज आजकल जो म्यूजिक बन रहा है वो चक वो सुन सुन के ना, यू नो इट्स काइंड ऑफ बिकम लिटिल टू मच, सो यू नीड अ सॉफ्ट एंड नाइस नंबर्स, एंड दिस इज वेरी लाइक सॉफ्ट एंड जी। इनफैक्ट आई टेल यू दैट यू नो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट फिल्म, आई डोंट नो व्हेदर पहली फिल्म होगी, लेकिन जब इस तरह का बड़ा हाथ आपके सर पे आ जाता है तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाती है।